अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज़बाहत हम्माद। आप सब लोग कैसे हैं? तो ये मेरा रियल क्लाइंट वर्क था और ये मैंने कुछ दिन पहले ही मेकअप किया था। तो सबसे पहले मैंने इनकी स्किन को कर दिया था प्रेप, और प्रेप मैंने करवाया था ऐसे कि आइसिंग करवाती थी मेरे इनको मैंने, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। फिर इनको मैंने प्राइमर लगा के करेक्टर ऑरेंज करेक्टर फाउंडेशन लगा के पीच बना के इनके अंडर आई पर जहाँ जहाँ छाइयाँ थी वहाँ लगा दिया था। दैन उसके बाद फिर मैंने इनके अप्लाई कर रही हूँ आप फाउंडेशन जो है वो मिस रोज़ का लिक्विड फाउंडेशन है। उसके बाद मैंने इसको ब्रश से किया था अप्लाई। ब्रश से अप्लाई करने का मुझे ये फ़ायदा लगता है कि जितने भी आपके जो डार्क जैसे फेस होता है ना, कहीं पे हमें ज़रूरत होती है कंसील करने की, तो वो एक्स्ट्रा में कंसीलर करना नहीं पड़ता। इससे कवरेज बहुत ज़्यादा हाई आती है हमारी। तो मुझे ये ब्रश से मैं अप्लाई करती हूँ बेस, और मुझे बहुत अच्छा मेथड लगा है कि ब्रश से जो अप्लाई करते हैं, वरना पहले मैं फिंगर से करती थी। तो भाई मैंने यहाँ पर गर्दन पर अप्लाई करना मत भूलिएगा, क्योंकि गर्दन भी नज़र आती है। तो गर्दन पे भी हमने अप्लाई कर लिया था। उसके बाद इनकी आईब्रोज नीट नहीं हुई थी, तो मैंने आईब्रोज इनकी डार्क ब्राउन शेड से मैंने इनकी फिल करी थी। उसके बाद जो मैंने मेथड बताया हुआ वैसे ही करते पे कॉम करके फिर मैंने इसको सेट कर लिया था। यहाँ पे मैं इनका आई मेकअप पे आ गई थी। असल में जल्दी जल्दी क्लिप पहने इसलिए है क्योंकि किसी और ने बनाए, मैंने नहीं बनाए हुए। तो पहले मैंने यहाँ पे एक ब्राउन शेड लिया था, उसके बाद फिर मैरून शेड लगाया इनकी क्रीज लाइन पर। उसके बाद मैं करूँगी इसको ब्लेंड, वो भी ऑरेंज कलर के, लाइट से ऑरेंज कलर की शेड से मैं इनकी क्रीज लाइन के ऊपर ब्लेंड करूँगी। अभी मैं यहाँ पे मैरून और ब्राउन कलर का शेड मैंने मिक्स करके आउटर कॉर्नर पर लगाया, एक वी सा बना दिया है। वी बनाने से आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर का शेड लेके इनके क्रीज लाइन पे जो मैंने शेड लगाया है मैरून ब्राउन सा, तो उसको मैं कर रही थी ब्लेंड, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट नज़र आए, डार्क छपा हुआ कलर नज़र ना आए जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना अभी। तो ये मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने ग्लिटर लगाना था, ग्लिटर का भी मेरे से क्लिप मिस हो गया था। तो यहाँ पे मैंने इनकी गोल्डन कलर का और कॉपर कलर का शेड मिक्स करके लगाया था ताकि यहाँ पे 3D इफेक्ट है। और मैंने इनर कॉर्नर पे इनके रोज़ गोल्ड शेड लगाया था, क्योंकि हम जो इनर कॉर्नर पे लगाते हैं वो लाइट शेड लगाते हैं, और वो मैंने इनके जो लगाया था कंसीलर ब्रश की मदद से लगाया था। तो यहाँ पर मैंने इनकी आई लुक कम्प्लीट करने के लिए ग्लिटर मुझे लगाना था। ग्लिटर वाला जो मेरा क्लिप था वो मिस हो गया था, वही बता रही हूँ कि मैंने नहीं बनाया है, ये किसी और ने बनाया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। तो यहाँ पे ग्लिटर लगा चुकी हूँ जो सिर्फ मुझे इफेक्ट देना था, ज़्यादा हैवी नहीं करना था। और लाइनर भी बिल्कुल थिन सा लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा विंग नहीं बना रही। इनर कॉर्नर मैंने बिल्कुल लाइट सा बनाया था। अब यहाँ पे मस्कारा लगाऊंगी, मस्कारा लगाने के बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे जो लोअर लैश लाइन पे कलर लगाया था वही मैरून और ब्राउन था, और ऑरेंज शेड को तीनों को मिला के ना इनकी लैश लाइन पे मैंने अप्लाई कर दिया था और स्मच कर दिया था। इनके आई में मैंने वाइट पेंसिल अप्लाई करी है। अब यहाँ पे मैं कंटूरिंग करी थी, कंटूरिंग पाउडर बना के जो हड्डी हमें चिक्स पे नज़र आए उस पर हमने कंटूर शेड लगाना होता है, उसको ऊपर की डायरेक्शन में अपने सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना होता है। उसके बाद मैं नोज़ कंटूरिंग करी थी, इनकी नोज़ माशाल्लाह से वैसे ही बहुत अच्छी सी शार्प सी थी। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल लाइट सा इफेक्ट देना था, इतना ज़्यादा नहीं। इनके जो नोज़ के ब्रिज हैं उस पर मैंने साइड में दो लाइन ड्रॉ कर दी थी, उसके बाद उसको हाथों से ही ब्लेंड कर दिया था। यहाँ पर इनके कंटूर कर दिए थे मैंने लिप्स, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक डार्क शेड लगाया था रेड का। तो जो पहले मैंने सोचा रेड लगाती हूँ, रेड पे मज़ा नहीं दिया, तो उसके बाद फिर मैंने मैरून शेड लगाया जो उठा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि इनका जो सूट का कलर था ना वो मैरून और गोल्डन सा था। तो मैंने इनकी गोल्डन आई कर दी है और मैरून कलर की लिपस्टिक लगाई थी, उसको फिर मैंने मैट कर दिया था। और मेकअप फिक्सर लगाना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने ब्लश ऑन भी अप्लाई किया है और हाइलाइटर भी किया है। तो ये था इनका फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थिंक पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव।